हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन हब। माय नेम इज़ राहुल। आज हम करेंगे मैथ्स क्लास फिफ्थ सेकंड चैप्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि हम यूकेजी फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो हम इस चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हैं। यूज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेस वैल्यू इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। हमें क्या सीखना है इसमें? हम इसमें समझेंगे इसके उपयोग की प्लेस वैल्यू में कहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे। इन प्रीवियस क्लासेस हमने पीछे वाली क्लासों में वी हैव लर्नड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 3 digits। हमने 3 digits तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए हैं। नाउ अब हेयर वी विल लर्न टू ऐड और सब्ट्रैक्ट विद और विदाउट कैरी अप टू 4 digits। हम यहाँ पर क्या सीखेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्शन, कौन से? कैरी वाले और विदाउट कैरी, दोनों 4 digits के। चलो रिवाइज करते हैं हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 406 313। आपको क्या करना है? प्लस 6 और 3 हो गए 9, 0 और 1 हो गया 1, 4 और 3 7। सेकंड क्वेश्चन आपको गलत दे रखा है, 723 यहाँ आना था, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। इसी तरह आपको क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, ये भी प्लस है, और क्वेश्चन 4 और 5 है हमारे माइनस वाले जो कि सब्ट्रैक्ट होते हैं। आप फिफ्थ देख लेते हैं, 557 माइनस 277, इसमें माइनस करेंगे 7 में से 7 गए 0, 5 में से 7 नहीं जाते। हम यहाँ से ले लेंगे बोरो, यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से 7 गए 8 और 4 में से 2 गए 2, ये हो गया हमारा माइनस। ये क्वेश्चन आपको 9 तक दे रखे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करोगे इनकी। 6, 7, 8, 9 ये आपको दे रखे हैं। जैसे 9th है, 37 माइनस 15 प्लस 10, इसको करने के लिए क्या करेंगे? पहले प्लस प्लस की हम अमाउंट को ऐड कर लेंगे, 37 प्लस 10 47, 47 में से 15 हम प्लस कर देंगे, 7 में से 5 गए 2, 4 में से 1 गए 3, ये आ जाएगा हमारा 32। अगर आप प्लेस वैल्यू से करोगे तो वो भी इजी रहता है। जैसे हमने सबकी वंस वाली ऐड कर दी, 9th क्वेश्चन में देखिए वंस कौन सा है इसमें, वंस वैल्यू 7, 5 और 0, 7 में से 5 गए 2, 2 और 0 कितने हो गए हमारे 2। इसी तरह 10th वैल्यू में कौन सी आ गई, 3 और 1 4, 4 में से 1 गए 3, हमारा क्या आ जाएगा 32। ये हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखे हैं इनमें, आप चेक कर सकते हैं आपने जो आंसर किए हैं, पर प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। 10th है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इफ देयर वर 185 बॉयज एंड 162 गर्ल्स इन ए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उद्यालया। आपको क्या दे रखा है? एक स्कूल है, उसमें एक क्लास में क्या, एक स्कूल में क्या है, 185 बॉयज हैं, 162 गर्ल्स हैं। आपको क्या बताना है कि उसमें टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? हमें टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉयज और गर्ल्स को क्या कर देंगे, ऐड। तो हमने क्या लिखा, 185 और 162 को हमने क्या कर दिया, प्लस 5, 2, 7, 8, 6, 14, 14 का 1 गया कैरी, 1, 1, 2 और 1 कैरी 3, हमारा हो जाएगा 347। 11th क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इफ देयर वर 225 प्लांट्स ऑफ रोज, 156 प्लांट ऑफ मैरीगोल्ड एंड 170 प्लांट ऑफ जैस्मिन। आपको क्या बताना है टोटल प्लांट्स कितने हैं? आपको 3 बता रखे हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है रोज का, एक मैरीगोल्ड का और एक है जैस्मिन का। हम तीनों को ऐड कर देंगे तो हम इसमें टोटल बता सकते हैं कितने हो गए, 225, 156 और 178। इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 559। 12th में आते हैं, गीताज फादर इज ए पैट नहीं आएगा, यहाँ आएगा पोर्ट। गीता फादर एज पोर्ट सेलर इन हॉट मार्केट, लास्ट संडे ही मेड 523 पोर्ट्स इन विच 484 वर सोल्ड, फाइंड हाउ मेनी पोर्ट्स डज ही हैव नाउ। ये बता रहे हैं कि गीता के पिताजी, गीता के फादर हैं जो, वो एक पोर्ट सेलर हैं, मतलब बर्तन के जो सेल करते हैं, उन्होंने लास्ट संडे बनाए थे, ही मेड 523 पोर्ट्स, उसने 523 पोर्ट्स बनाए और उसमें से वह बता रहे हैं कि 484 उन्होंने सेल कर दिए, मीन्स बेच दिए। 523 उन्होंने पोर्ट्स बनाए और 484 बेच दिए, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने पोर्ट्स रह गए, तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस।
क्योंकि हमने जितने बनाए थे और जितने बेच दिए तो उसमें से जो बच गए वो बताना है, इसलिए हम यहाँ करेंगे माइनस। 523 में से हम 484 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 39। अब 3 में से 4 नहीं जाता, हमने क्या लिया एक बोरो, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 4 गए 9, और 1 में से 8 नहीं जाता, हमने एक बोरो और लिया, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 11। 11 में से 8 गए 3, 4 में से 4 गए 0, 13 आते हैं। ये हमारे हैं नंबर्स इन हिंदी, हिंदी में नंबर जो होते हैं। इससे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए नंबर्स, ये नंबर्स कौन से हैं, 1 ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। अब हमारे 13 क्वेश्चन पे आते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड विद इन इंडियन न्यूमरल सिस्टम। इंडियन मीन्स हिंदी के जो नंबर्स होते हैं हमारे, वो नंबर्स हैं। अभी मैंने आपको नंबर्स दिखाए हैं कौन से हैं, आपको एक बार पढ़ना होगा उसको, नंबर्स याद रखने होंगे कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा है हमारा लिखा हुआ, जैसे 8 5 7 3 2 4। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड, इसको प्लस और माइनस करेंगे। इसको प्लस और माइनस करने के लिए हमें ये नंबर्स पता होने चाहिए कि हिंदी में नंबर्स हमारे कैसे होते हैं। अब 7 और 4 कितने होंगे, 11। हमें ये आंसर भी हिंदी में ही लिखने हैं, हमारे नीचे सॉल्यूशन देख रखा है, ये देखिए नीचे हमारा ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसे भी ध्यान में रखना है। जैसे 7 और 4 यहाँ है, 7 4, नेक्स्ट है हमारा 5 2, और नेक्स्ट है हमारा 8 6। ये देखिए 7 4 होते हैं 11, 11 का हमारा बना हुआ 1, 5 2 7, 7 और 1 8, और 8 और 6 हमारा क्या हो जाएगा, 8 एंड 6 नहीं है, वो 3 है, 8 3 हो जाएगा हमारा 11, ये हमारा 3 दे रखा है। इसी तरह आपको ये प्लस और माइनस अभी करने हैं जो दिए हुए हैं, पर इसके लिए आपको पहले नंबर्स पढ़ने होंगे हिंदी वाले, ये हिंदी वाले नंबर्स होते हैं, इसके प्लस और माइनस आप खुद करोगे नोटबुक में। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ कैरिंग इन एडिशन इन सब्ट्रैक्शन एडिशंस। मैथ्स टीचर आस्क द स्टूडेंट टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, शी आल्सो अनाउंस्ड दैट। एक मैथ्स टीचर हैं, वो कहते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आपको सॉल्व करना है। वन हु गेट्स द करेक्ट आंसर वी गेट ए गिफ्ट, विल गेट ए गिफ्ट। जो इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसे एक गिफ्ट मिलेगा, मैडम ने कहा। द स्टूडेंट वर एगरली वेटिंग फॉर द क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत जल्दी शीघ्र से इंतज़ार करने लगे किसका, क्वेश्चन का। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, आई बोट ए कोट, उसने एक कोट को परचेज किया, मीन्स एक मंजा, फॉर 24,500, ए ब्यूरियो फॉर 7,800, एक मेज़ हो गया, एंड ए टेबल, टेबल्स को भी मेज़, फॉर 4,500। ये हमें तीन चीज़ उसने परचेज की। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द थिंग आई हैव बाउट, उसने पूछा इसकी टोटल कॉस्ट, उसके पास कितने रुपीज़ लगे जो कि उसने तीनों चीज़ परचेज की। क्या परचेज की, एक कोट, ए ब्यूरियो और एक टेबल। ऑल द स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द सम, सभी स्टूडेंट्स इसको ट्राई करने लगे। कुमकुम एंड पुनीत, टू स्टूडेंट्स कंप्लीट द सम अहेड ऑफ अदर्स। कुमकुम और पुनीत के टू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये कंप्लीट कर लिए। शी कॉल्ड देम टू शो देयर नोटबुक्स, इन्होंने मैडम ने क्या कहा, शो आपकी नोटबुक को दिखाइए। शौकिंगली दे गॉट टू डिफरेंट आंसर, वह शौकिंग हो गई कि वो शौक हो गई कि देखकर कि उनके जो आंसर थे वो डिफरेंट थे, अलग अलग थे। कुमकुम के क्या थे, कॉस्ट ऑफ कोट, कॉस्ट ऑफ कोट, यहाँ पर कोट आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा, कॉस्ट ऑफ कोट, कॉस्ट ऑफ ब्यूरियो और कॉस्ट ऑफ टेबल। उन्होंने क्या टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 2,51,800, और पुनीत की बनी है कॉस्ट ऑफ कोट 24,500, कॉस्ट ऑफ ब्यूरियो 7,800 और कॉस्ट ऑफ टेबल है 4,500, मीन 36,800। हमारा क्या बनता है, हम खुद टोटल करेंगे, कुमकुम वाला सही होगा या पुनीत वाला, ये आप खुद देखोगे। पहले हमारा जो सेकंड वाला है वो ज़्यादा बेटर सही लग रहा है, क्योंकि हमारी लैक्स में वैल्यू नहीं जा रही, 10,000 तक ही हमारा प्लेस है, और हमारा लैक्स में प्लेस नहीं बन सकता क्योंकि हमारा 10,000 का 24 ही है,
इसलिए हमारी ज़्यादा अमाउंट लेग्स में नहीं जा सकती, इसलिए कुमकुम का गलत है और पुनीत का सही होगा। कैन यू अंडरस्टैंडिंग दैट कुमकुम डिड नॉट फॉलो द प्लेस वैल्यू करेक्टली। कुमकुम ने क्या किया, प्लेस वैल्यू को करेक्टली नहीं लिखा, गलती से उसने नंबर्स को इधर उधर कर दिए। वाइल राइटिंग द नंबर्स सो शी वेंट रॉन्ग इन हर कैलकुलेशन, इसलिए वह गलत हो गई अपनी कैलकुलेशन में। लेट अस लर्न हाउ टू राइट नंबर यूजिंग प्लेस वैल्यू, आपको के प्लेस वैल्यू में नंबर्स कैसे लिखने होंगे यहाँ देखते हैं हम। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, एड द फॉलोइंग नंबर्स बाई राइटिंग दैम वन बिलो द अदर 64,737, 3,475, 22,710। आपको स्पष्ट यहाँ दिखा रखा है, देखिए प्लेस वैल्यू हम हमेशा राइट से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होंगे, 73746 10,000 तक आ गई, जो नेक्स्ट है हमारी वो 1,000 तक ही है, और नेक्स्ट 10,000 है, और लास्ट हमारी 100 तक ही है। हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, यहाँ पे टेबल बना ली हमने, स्टार्ट हमने राइट से किया, वन से, वन में है, टेंथ में है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में तीन नंबर हैं ओनली, और 10,000 में टू हैं। राइट साइड से इक्वल होना चाहिए, हम राइट से स्टार्ट करेंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 7, 5, 12, 12 और 6, 18, 8 आ गया, वंस में 1 गई हमारी कैरी, 3, 7, 10, 10 और 1, 11, 11 और 7, 18, 18 और A1 कैरी वाला 19, 19 का 9 आ जाएगा, 1 जाएगी कैरी, 7, 4, 11, 11, 7, 18, 18 और 2, 20, 20 में 1 ऐड किया 21, 1 आ जाएगा हमारा नीचे और 2 चला जाएगा हमारा कैरी, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11 का 1, 1 जाएगी कैरी, 6, 2, 8 और कैरी वाला 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 9, 91,198 ये हमारा आ जाएगा आंसर। डू योर सेल्फ एग्जाम्पल 2 दे रखे, आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ 386, 74 और 70, 786, 9 and 59, ये आपकी अलग अलग अमाउंट्स है, कितनी अमाउंट्स होगी, 5, 386, 74, 786, 9 और 59, ये आप खुद नोटबुक में सोल्व करोगे, जिसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में करोगे। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन, वाई हैव यू आर नॉट कम्प्लीट योर होमवर्क स्टिल, आस्क्ड कनिष्कम मदर, कनिष्क की मदर कहती है कि आपने अभी तक अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। मदर आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट अवर पार्टिकुलर प्रॉब्लम, रिप्लाइड कनिष्क, कनिष्क ने कहा कि मेरे से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मदर्स हैड ए ग्लैंस ऑफ कनिष्क प्रॉब्लम, मदर्स उसकी प्रॉब्लम को देखती हैं, 2763 - 267, द मदर सा, मदर ने देखा, हाउ शी हैज़ रिटन द नंबर वन बिलो द ऑर्डर, शी एक्सप्लेन द डॉटर शी मिस्टेक कमिटेड बाय हर, उसने देखा ये नंबर, देखो आपको क्या करना है, माइनस स्टार्ट वन से करेंगे, जो कि वन से हमारा इक्वल है 376672 और 2, अब इसमें माइनस करने हो तो हम इजीली कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 3 में से 7 जाएंगे नहीं, हम क्या लेंगे एक बोरो, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 7 गए 6, 5 में से 6 नहीं जाते, एक बोरो और ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 15, 15 में से 6 गए 9, 6 में से 2 जाएंगे 4 और यहाँ आ जाएगा हमारा 2,496, ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट हमें दे रखा है एग्जाम्पल 3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स बाय राइटिंग देम द वन बिलो द अदर, 7,632 - 6,267, इसमें भी आपको टेबल बना के कर सकते हो आप इजीली, या आप खुद करोगे इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके जरूर करना। डू योर सेल्फ एग्जाम्पल 4, आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 5,860 को 6,985 से क्या करना आपको, सब्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल 5, द सम ऑफ टू नंबर इन 5,983, इफ वन ऑफ देम इज 2,178 देन फाइंड द अदर नंबर, आपको क्या करना है, टू नंबर्स दे रखे हैं जिनका सम, जिसका टोटल क्या है 5,983, जिसमें से हमारा वन नंबर हो गया 2,178, आपको टू नंबर्स का टोटल दे रखा है
5983, जिसमें से एक नंबर है हमारा 2178। अब हमें बताना है कि सेकंड नंबर कौन सा होगा। सेकंड नंबर बताने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो जो हमारी टोटल अमाउंट है उसमें से फर्स्ट नंबर को हम लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर। 5983 में से आप 2178 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आता है, 3805। एग्जाम्पल 6, मिस्टर विजय नीड्स 9975 फॉर रिपेयरिंग हिज हाउस। जो मिस्टर विजय हैं उनको आवश्यकता है, उनको ज़रूरत है क्या 9175 रुपीज़ की, किसके लिए, उसको रिपेयरिंग करानी है अपने हाउस की, अपने घर की। ही सोल्ड जूट फॉर 1225, उसने जूट को सेल किया। काउ फॉर, अपनी गायों को सेल किया 5025 में। एंड गोट फॉर 1900 में उसने गोट्स को सेल कर दिया। हाउ मच मोर डज ही नीड, अभी भी उसको कितने रुपयों की आवश्यकता है, उसको ज़रूरी है, उसको कितने रुपए चाहिए, 9975। अब उसने तीन चीज़ें बेची, क्या बेचा, एक जूट, काओ और गोट। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, किनको, 1225, 5025 और 1900। इन तीनों को बेचा, इन तीनों को हम करेंगे ऐड और इसको हम माइनस कर देंगे किसमें से, 9175 जो हमें रुपीज चाहिए थे। इतने रुपीज तो हमारे पास आ गए, जो बच गए वो हमें बताने हैं। इसका आंसर करोगे आप खुद। अब आते हैं एग्जांपल 7 पे। इन टाउन बस 5402 वाज कलेक्टेड इन द फर्स्ट वीक एंड 6424 वाज कलेक्टेड इन द सेकंड वीक। By how much was the collection amount more in the second week compared to that of the first week? आपको क्या, एक बस है जो कि चलती है नगर में, उसने कहा है कि उसने कलेक्ट किए हैं पैसे 5,402 फर्स्ट वीक में, 6,424 was collect in the second week। इसने फर्स्ट वीक में उसने इतने किए और सेकेंड वीक में किए इतने। How much was the collection amount more in the second week compared to the first week? उसने क्या है कि जो second week ने उसने amount जो उसने collect की है वो first week से कितनी की है, उसको compare करना है कि उससे ज़्यादा की है या कम की है। ज़्यादा की है, first में तो 5,000 के लगभग थी और second में है 6,000 के, तो second वाली ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, 6,424 में से माइनस कर देंगे 5,402, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,070। ये हमारी है रिमेनिंग अमाउंट जो कि उसने डिफरेंस है कि सेकंड वीक में ज़्यादा करी है फर्स्ट वीक से। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।